नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन कह सकते हो, एक अपडेट कह सकते हो, जो लेके आए हैं वो ये है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर रेगुलर मोड में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि कैंपस के अंदर जो अपना IIHS जिसको इंटीग्रेटेड ऑनर स्टडीज या फिर UC के जो पहले उसका नाम होता था यूनिवर्सिटी कॉलेज, उसके अंदर आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप लोगों को BA के अंदर एडमिशन लेना है, BSc के अंदर एडमिशन लेना है, BCOM के अंदर एडमिशन लेना है, BCA के अंदर एडमिशन लेना है, या और उसके अलावा जो वहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं उनके अंदर एडमिशन लेना है, आप लोगों की सबसे पहली क्वेरी ये होती है कि वहाँ पे किस तरीके से एडमिशन होंगे, कितने पे आप लोगों की मेरिट जाएगी, मेरिट लिस्ट सबसे मेन सवाल इसके अंदर जो आप लोग क्लैरिफाई करेंगे कि आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है, चाहे वो BA, BSc, BCOM और इसके अलावा BCA और या इंटीग्रेटेड कोर्सेज की जो मेरिट लिस्ट है वो कितने पे जाएगी और वो प्लस टू बेस पे आप लोगों के एडमिशन होते हैं, पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो तमाम आप लोगों का जो अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा उससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास प्रोवाइड करवाते रहें कंटिन्यू, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों का जो सबसे पहले तो कि आपके जितने भी अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, यानी कि IIHS के अंदर प्लस टू के बाद जो कोर्सेज होते हैं उनके अंदर सभी के अंदर आप लोगों का मेरिट बेस पे एडमिशन होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे आप लोगों में BA है, BSc है, BCOM है, BCA है या इंटीग्रेटेड जो प्लस टू के बाद कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, सभी के अंदर आप लोगों का मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। और वो मेरिट बेस आप लोगों मेरिट किस बेस पे तैयार होती है, वो होती है आप लोगों की प्लस टू के मार्क्स के बेस पे, और प्लस टू के मार्क्स के बेस पे भी आप लोगों को अलग अलग तरीके की वेटेज दी जाती है। उसके अंदर अगर आप लोगों ने NCC किया है ना, NCC का सी सर्टिफिकेट पास किया है, या कोई भी NCC का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास, NSS का मेरिट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास, या फिर आप लोगों के पास कोई स्पोर्ट्स का नेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट है, तो उनकी आप लोगों को अलग से एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है। मतलब आप मान लीजिए कि आप लोगों के 80% मार्क्स प्लस टू के अंदर हैं और आप लोगों ने नेशनल खेला हुआ है, नेशनल के आप प्लेयर हैं या फिर NCC है, NSS है, उसके आप लोगों को 5% की वेटेज मिल जाएगी, यानी कि आप लोगों के 85% हो जाएंगे। और इसके साथ में कई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनके पास NCC भी है, NSS भी है, स्पोर्ट्स भी है, या फिर आप लोगों का कोई कल्चर एक्टिविटी का सर्टिफिकेट है, तो ये नहीं है कि आप लोगों को सभी के मार्क्स मिलेंगे, मतलब 5-5 करके आप लोग 20-25 नंबर ले लें, तो उस वेटेज का भी एक ये है कि आप लोगों को मैक्सिमम 10% की वेटेज ले सकते हो, कि आप लोग 5% NCC के ले लें, 5 स्पोर्ट्स के, मतलब सिर्फ मैक्सिमम 10% की वेटेज ले सकते हो। उसके अंदर 5% आप लोगों को, अगर आप लोगों ने हरियाणा बोर्ड से आप लोगों की प्लस टू पास है तो 5% आप लोगों को हरियाणा स्टेट का उसके अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तो 5% आप लोगों को वो मिलते हैं। तो ये प्रॉपर आप लोगों का मेरिट बेस के अंदर आप लोगों का एडमिशन होता है जो भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं। अब एक सवाल आता है जो आप लोग लगातार सबसे ज़्यादा करते हैं कि मेरे 60% है, मेरे 80% है, मेरे 90% है, कि इसके अंदर मेरा एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों जो मैं आप लोगों का एक आइडिया दूंगा कि आप लोगों का इतने परसेंट मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग श्योरिटी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर बार मेरिट अप डाउन तो होती ही है, लेकिन अगर आप लोग किसी भी अगर जनरल कैटेगरी से हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अपना श्योर करना चाहते हैं तो मिनिमम 85+ आप लोगों के प्लस टू के अंदर होने चाहिए, चाहे आप लोग BSc के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, BA के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या फिर आप लोगों का जो BSc है, BCOM है, उनके अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो मतलब 85% आप लोगों के मिनिमम होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप लोगों की कोई रिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर आप लोगों का मिनिमम 80% होना ज़रूरी है। 80% से नीचे बहुत ही रेयर चांस होता है कि आप लोगों की मेरिट आएगी, 80% से नीचे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मेरिट नहीं आती है अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज की। तो आप लोग अगर उसके बाद भी, लेकिन ये ना हो कि आप लोग अगर किसी के कम है, 75% है, 70% है, ये ना हो कि आप लोग डीमोटिवेट ना हो कि आप लोग फॉर्म ही अप्लाई ना करो, फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि मैंने एक एस्टिमेट आप लोगों की मेरिट बताई है कि मिनिमम आप लोग 80% तो होने चाहिए तभी आप लोगों का एडमिशन श्योर है। उससे नीचे भी कई बार थर्ड फोर्थ मेरिट लिस्ट के अंदर नीचे चली जाती है मेरिट, लेकिन श्योर तो ये है कि आप लोग इतने आप लोगों का एक एस्टिमेट है, अगर आप लोगों में उससे ज़्यादा है तो मतलब आप लोग सिक्योर हो कि आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। यही आप लोगों के लिए अपडेट लेके आए थे कि आप लोगों का प्रॉपर मेरिट बेस पे आप लोगों का एडमिशन होगा और ये मेरिट आप लोगों में मिनिमम 85% आप लोगों के मार्क्स इसके अंदर प्लस टू के अंदर होने चाहिए। और इसका जो भी आगे प्रोसेस आएगा, मतलब जून के आसपास आप लोगों के फॉर्म आएंगे, उससे रिलेटेड आगे जो भी अपडेट आती रहेगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वो आप लोगों को तुरंत इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। उससे पहले अगर कोई और अपडेट आई और कोई इसी तरीके की कोई और अपडेट हमें मिली तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।